किसी ने क्या खूब कहा है, आदमी गलती करके सीखता है, आदमी गलती करके सीखता है, वो किसी और तरह से नहीं सीख सकता। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल सतरंग ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 15 अप्रैल दिन गुरुवार कैसे रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसे रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, उनका प्रेम संबंध कैसे रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आएगा संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज गुरुवार है, साईं बाबा का दिन है। दोस्तों कमेंट में ओम साईं राम जरूर लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा साईं बाबा आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहले ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों आगे चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि शादी से पहले जीवन साथी के बारे में जान लेनी चाहिए, ये बातें। जी हाँ दोस्तों, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए पार्टनर का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी जीवन में खुशियां ला सकता है, जबकि जीवन साथी अच्छा नहीं हो तो जीवन चुनौतियों से भर सकता है। ये बात स्त्री और पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू होती है। आज चाणक्य ने नीति शास्त्र में धन, करियर, बिजनेस, दोस्ती और दुश्मनी के अलावा वैवाहिक जीवन से जुड़ी बातों का भी जिक्र किया है। चाणक्य कहते हैं कि किसी के साथ दाम्पत्य जीवन बंधने से पहले उसे परखना काफी जरूरी होता है। जानी नीति शास्त्र के अनुसार शादी से पहले पार्टनर की किन चीजों का पता लगाना जरूरी है। दोस्तों नंबर एक, चाणक्य कहते हैं कि किसी से विवाह करने से पहले उसकी शारीरिक सुंदरता नहीं बल्कि उसके गुणों को देखना जरूरी होता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति के संस्कार को परखना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों शारीरिक सुंदरता कुछ साल बाद कम होती जाती है लेकिन संस्कार व्यक्ति के कभी नहीं मरते हैं। दोस्तों नंबर दो, चाणक कहते हैं कि पुरुष को कभी भी सुंदर स्त्री के पीछे नहीं भागना चाहिए। स्त्री का गुणवान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो स्त्री गुणवान होती है वो परिवार को मुश्किल समय में सहारा बनती है और दुखों से बाहर निकालती है। नंबर तीन, चाणक कहते हैं कि गुस्से के कारण किसी भी परिवार व रिश्ते का अंत हो सकता है, इसलिए शादी से पहले जीवन साथी गुस्से को परख लेना जरूरी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन साथी गुस्से के कारण बाद में पछताना पड़े। दोस्तों नंबर चार, चाणक कहते हैं कि शादी से पहले ही जानना जरूरी होता है कि पार्टनर कितना धार्मिक है। एक व्यक्ति का मर्यादा में रहना जरूरी होता है। धर्म कर्म में व्यक्ति को मर्यादित रखते हैं। दोस्तों नंबर पांच, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते की अहम चीज सम्मान होती है। जो पति पत्नी एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करते हैं और दूसरों के सामने एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, उनका वैवाहिक जीवन दुखों और मुश्किलों से भरा होता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए पति पत्नी का एक दूसरे को सम्मान देना जरूरी है। नंबर छह, बातचीत ना करें बंद। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि किसी भी मसले को सम्मान से हल किया जा सकता है। सम्मान वह प्रक्रिया है जो बड़ी से बड़ी समस्या को दूर करने का माध्यम बनता है, इसलिए किसी भी तरह की परेशानी आने पर पति पत्नी को खुलकर बात करनी चाहिए। दोस्तों आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग है 15 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार, आय की तिथि है तृतीय तिथि, आय का नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, ऋतु चल रहा है बसंत ऋतु। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:56 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:46 पर। दोस्तों आएगा समय है दोपहर 11:55 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। दोस्तों आएगा अशुभ समय है सुबह 10:13 से शाम 4:12 तक रहेगा। दोस्तों आज कन्या राशि वालों का लक्की नंबर है 9। अब बात करते हैं दोस्तों आज कन्या राशि फल के बारे में कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आई जानते हैं। कन्या राशि वाले, आज आपको दोस्तों का रुख सहयोगी रहेगा और भी आपको खुश रखेंगे। आज घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकले, इससे आपको धन लाभ होने की संभावना ज्यादा रहेगी। दोस्तों अपने परिवार की भलाई के लिए मेहनत करें, आपके कामों के पीछे प्यार और दूर दृष्टि की भावना होनी चाहिए, ना कि लालच का जहर। आज प्यार की कमी महसूस हो सकती है। संतोषजनक परिणाम पाने के लिए काम को योजनाबद्ध तरीके से करें। दफ्तर की परेशानियों को हल करने में आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको अचानक किसी से अनचाह यात्रा पर जाना पड़ सकता है जिसकी वजह से घरवालों के साथ समय बिताने का आपका प्लान खराब हो सकता है। हंसी मजाक के बीच आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई पुराना मुद्दा उभर कर आ सकता है जो फिर वाद विवाद का रूप भी ले सकता है। दोस्तों अपनी मस्ती मगन होने के कारण दूसरों के दुख आपको दिखाई नहीं देंगे, जिसके कारण किसी व्यक्ति की आपके ऊपर नाराजगी बनी रह सकती है। जब तक आप खुद को मानसिक स्वरूप से स्थित नहीं करते हैं तब तक दूसरों की मदद करने से परहेज करना जरूरी है। पारिवारिक व्यस्तता की वजह से अपने कार्यस्थल पर ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, फिर भी फोन कॉल्स के जरिए अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे। ऑफिस में उच्च अधिकारियों के साथ किसी भी वाद विवाद में ना पड़े। दोस्तों पति पत्नी के बीच सकारात्मक और सहयोगात्मक पूर्ण संबंध रहेंगे। परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने से या सबका मन प्रफुल्लित
प्रफुल्लित रहेगा। दोस्तों मानसिक रूप से अशांत रहेंगे, ऑफिस में काम का दबाव परेशान करेगा। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आय काफी मेहनत करनी पड़ेगी। परिश्रम के बाद उचित लाभ मिलने से कुछ संतोष मिलेगा। आय नए अनुभव प्राप्त होंगे जो भविष्य में आपके काम आएंगे। दोस्तों पैसे कमाने के लिए आपको कई बेहतरीन मौके मिलेंगे, लेकिन उम्मीद के हिसाब से आपको फायदा नहीं हो पाएगा। आपका जीवन साथी आपके प्रति अधिक समर्पित रहेगा और वे अपने परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं। आपके शिष्टाचार से प्रभावित होकर पारिवारिक लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो नए प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। संभावना है कि इस समय कोई आपके आगे अपना प्रेम प्रस्ताव रख दे। दोस्तों एलर्जी की समस्या से ग्रस्त होने की संभावना है, अति सावधानी अपेक्षित है। नए लोगों से फायदा हो सकता है। आपके कामकाज की तारीफ भी होगी। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। आप अपने खुद के परिश्रम से अधिक धन अर्जित कर पाएंगे। शेयर बाजार कमीशन आदि के कार्यों से आपको लाभ मिल सकता है। दोस्तों आज भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित कर लेंगे। यदि कोई प्रोजेक्ट आरंभ कर रहे हैं तो संसाधन की कोई कमी नहीं होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होंगे। बच्चे आपकी खुशी का कारण बनेंगे। महिलाओं का आज दिन राजकूट होगा। धूल भरे इलाकों में जाने से बचें। सेहत पहले से बेहतर बनी रहेगी। आप भगवान गणेश जी की आराधना करें, आपके लिए लाभकारी होगा। दोस्तों आज आप परिवार वालों के साथ खुशी के पल बिताएंगे। इस राशि के जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उन्हें तरक्की के कई सुनहरे मौके मिलेंगे। किसी बड़े बुजुर्ग की मदद करने से आपके मन में राहत महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप हर तरह से सक्षम रहेंगे। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में खुशी का माहौल बनाकर रखेगा। आप करियर में नए आयाम स्थापित करेंगे। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। गणेश जी के आगे घी का दीपक जलाएं, आपके सभी काम पूरे होंगे। दोस्तों इस बात की प्रबल संभावना है कि आपके आसपास के लोग आपके रिश्ते मतभेद पैदा करने की कोशिश करेंगे। कदाचित आप अपने साथी में ही नुक्स निकालने लगेंगे। सावधान रहें, इससे आपके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। दोस्तों आपको अपने वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत व्यक्तियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है जो आपकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोगों की संगत से दूर रहें। कार्य सफलता में आने वाली अड़चनों से आप कुछ समय के लिए निराश हो सकते हैं। दोस्तों आज आपको आज सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अधिक सावधानी और देखभाल की ज्यादा जरूरत है। दोस्तों दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में बहुत ही अनुकूल रहेंगी, इसलिए दिन की शुरुआत में ही अपने कार्य की रूपरेखा बना लें। आज कोई लाभदायक सूचना मिल सकती है। घर में कुछ समय से चल रही गलतफहमियां आपकी घर मध्य से हल हो जाएंगी। भाइयों के साथ किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन रही है, हालांकि आपको अपने उचित विवाह द्वारा परिस्थितियां संभाल लेंगे। विद्यार्थियों को एडमिशन संबंधी कार्य में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों पारिवारिक व्यस्तता की वजह से अपने कार्यस्थल पर ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, फिर भी फोन कॉल्स के जरिए अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे। ऑफिस में उच्च अधिकारियों के साथ किसी भी वाद विवाद में ना पड़े। पति पत्नी के बीच सकारात्मक और सहयोगात्मक पूर्ण संबंध रहेंगे। परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी चल किसी समस्या से राहत मिलेगी और आप स्वयं को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोस्तों कन्या राशि के लोगों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। आप अपनी जॉब को लेकर बहुत ज्यादा प्रयासरत रहेंगे। आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपके काम में किसी तरह की कोई कसर न रह जाए। दोस्तों इसलिए आपकी बुद्धि बहुत तेजी से काम करेगी। आपकी कार्य कौशलता और आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा सभी लोग मानेंगे और इस समय में कार्य क्षेत्र में आपका बेहद ही अच्छा परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं, इसलिए अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपकी राह में बाधा आए। दोस्तों मंगल के 16 अप्रैल को आपके दशम भाव में प्रवेश करने के साथ ही अचानक से आपको पद प्राप्ति या कारोबार में वृद्धि मिल सकती है। उसके लिए तैयारी रखें और अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करें। यदि आप बिजनेस करते हैं तो दिन की शुरुआत से ही आपका बिजनेस उन्नति प्राप्त करेगा। आपको सरकारी क्षेत्र से भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और आप चाहेंगे तो आपके बिजनेस में किसी अन्य व्यक्ति को भी शामिल कर सकते हैं। साझेदार से आपके रिश्ते में सुधार होगा जिससे आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये था आज कन्या राशि वालों का राशिफल। दोस्तों आज गुरुवार है, साईं बाबा का दिन है। दोस्तों घर में रहकर अगर सच्चे मन से साईं बाबा की पूजा आराधना करते हैं तो साईं बाबा आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोज कन्या राशि फल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों यह का राशि फल अपने दोस्तों से करना। आपका दिन शुभ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।